हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं जेपी सिंह और अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर 16। ये लेक्चर हमारा चल रहा है 4D और 5D सीरीज से ही, ठीक है। हमें 2-3 दिन से हो भी गए हैं। अब हमारा जो इसमें टॉपिक बचा हुआ है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे अपनी हेडिंग, वो है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आज जो हमारा है वो हमारा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसे अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे बोल देते हैं आयनन विभव। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, कभी आप 12th या 11th क्लास में होंगे तो ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा तो एक बार फिर इसे क्लियर कर लेते हैं। आपने पढ़ा है कोई बात नहीं, हो सके आप भूल गए हों, फिलहाल आपको ये याद नहीं है। तो इसे क्लियर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक पहले सबसे पहले के एटम बना लेते हैं। तो एटम के जो बीचों बीच होता है वो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस होता है, जो एटम के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसके जो चारों ओर हैं वे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे इस टाइप से, ठीक है भाई। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एटम है हमारे पास में, कोई यहाँ एटम है, हमने एटम के बीचों बीच क्या ले रखा है, उसका न्यूक्लियस ले रखा है, न्यूक्लियस शो कर रखा है, दिखा रखा है। और अब इसके बाद में हमें क्या काम करना है, हमें ये समझाना है कि आयनन विभव वास्तव में होता क्या है। ये जो इसकी सबसे बाहर की जो सेल है इसे हम बोल देते हैं क्या, ये हमारी होती है आउटर मोस्ट सेल। ये जो हमारी सबसे बाद में है ये हमारी क्या है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो ये हमारी होती है कैसी, ये होती है हमारी बाह्य कक्षा, आउटर मोस्ट सेल। अब हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी बताया जाऊंगा मैं आपको लगातार, मगर आप समझिएगा ये आउटर मोस्ट सेल है। और ये हमारे पास में जो एटम है ये कैसा है, हमारा गैसीय कंडीशन में है, ठीक है, गैसीय कंडीशन में है। हमें क्या काम करना है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन हमें इसमें से निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब हम इसे क्या काम करेंगे, एनर्जी देंगे, जब हम इसे एनर्जी देंगे। तो याद रखिएगा, जब हम इसे एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कहाँ, गैसीय कंडीशन में, किस में से, किसी एटम में से, वही हमारा कहलाता है क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या, कि किसी गैसीय कंडीशन में, गैसीय स्टेट में, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसेंशियल एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं हम इसमें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोल देते हैं उसे, हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। अब तो एक बार और समझिएगा, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जब आप वन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा मुझे बताइएगा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे किसी भी एटम में से, जब आप किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा, क्या क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। हमने फिर उल्टा फिर दूसरा वही काम कर दिया, हमने क्या काम करा, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो फिर क्या होगा भैया, सीधी सी बात है, जो पहले भैया है अभी वही होगा, पहले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो अभी क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपसे यहाँ ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप फिर निकालने जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे। अब याद रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज का जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन को बाइंड करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करना, इलेक्ट्रॉन को बांधना होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, उससे क्या होंगे, मजबूती से बंध जाएंगे, स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे, किससे, न्यूक्लियस से। जब स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगे तो अब हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अब हमें इससे, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात को आप, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकलते चले जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। इसका दूसरा रीजन अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये है, जब हम किसी भी ग्रुप में, किसी इस सीरीज में हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम इस सीरीज में कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होगा,
जो एटॉमिक नंबर है, जो क्या है एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर लगातार कैसा होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। एटॉमिक नंबर लगातार कैसा होगा, इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है प्रोटोनों की नंबर्स के, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ प्रोटोन मतलब प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और प्रोटोन ही क्या काम करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर चार्ज है उसे कौन बढ़ाता है, प्रोटॉन बढ़ाता है मेरे भाई। जब आप एल टू आर चलेंगे इस सीरीज में तो लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी लगातार बढ़ेगी। जब हम इसकी मिडिल में जाएंगे तो एक इफेक्ट इसमें आ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इसके अपोजिट होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। ये लगता है किस में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होगा, जो हमारे पास में, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा मिडिल में जाके वो क्या होगा, स्लोली इंक्रीज होगा, बहुत ही धीरे धीरे से इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि भाई एक दूसरा इफेक्ट आ गया है इसमें इंक्रीज, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज को घटाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या हो रहा था इसमें, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही इसमें बढ़ रहा था आयनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा, कौन घटाएगा इसे, स्क्रीनिंग इफेक्ट घटाएगा। तो जब मिडिल में जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ता है, तो क्या होता है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है बहुत ही स्लोली बढ़ता है, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ता है, एंड में जाके फिर घट जाता है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ जाता है किसका, एटॉमिक रेडियाई का। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हमने इसके बारे में लिखा क्या है, ठीक है, चलिए इसे क्लियर करते हैं एक बार। जो इसकी थ्योरी हमने लिखी है, ये हमने समझ लिया जो हमने इसमें लिखा हुआ था, हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमारी हेडिंग आ गई है अभी, हेडिंग नंबर 6, और जो हमारी 6 हेडिंग है इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या अपना, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले बात कर दी सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन है कहाँ, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ सिचुएटेड हैं, ये कहाँ पहले से हैं, ये हैं एस और पी के बीच में, ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में सिचुएटेड हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो भी एस और पी के बीच का ही होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इसमें द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल आर इन बिटवीन बीच का होता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। इस प्रकार के या इस श्रेणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच का ही होगा, ठीक है। एक और इसके पास में पी है, एक और क्या है एस है, बीच में क्या रखे गए हैं इनके डी, जब बीच में रखे गए हैं तो दोनों के बीच का ही होगा, ठीक है। कुछ लक्षण इसके होंगे या कुछ इसके होंगे, या इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा, ठीक है, दोनों की कंपेयर होगी। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ हमारे पास में ही, दे हैव हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ हमें बता दिया गया है क्या, कि इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कैसा होता है, अधिक होता है, एंड और लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनसे कैसा होता है, कम होता है, लोअर होता है। दिस इंडिकेट दैट, यह प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव, कि जो एलिमेंट्स ये कैसे हैं, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव हैं, किस से, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये कैसे हैं, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिव है, मतलब कम इलेक्ट्रोपोजिटिव है, और बात करेंगे किसकी, एंड आर मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स से कैसे हैं, ये मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव है। फिर इसके नीचे हमने यहाँ लिखा है, इन द गिविन सीरीज, इस सीरीज में ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं द आयनाइजेशन पोटेंशियल, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल स्लोली इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ही जितने भी हमारे पे इस ग्रुप में, जो भी हमारे पास में है, जितने भी इस सीरीज में एलिमेंट्स हैं, उन सबका क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो इसे भी, ये बात भी आपको क्लियर होगी होगी यहाँ से। दिस इज ड्यू टू, इसका कारण है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, कि इसका कारण क्या है, बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज है। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे शब्दों में समझिएगा आप, डी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ए स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक स्क्रीनिंग इफेक्ट
शो करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, शो करते हैं, जो डीएल, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब डी सब सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो जो पहले से ही एटम के पास में इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में और जो नए से नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके बीच में क्या लगन लगता है, रिपल्सन, ठीक है, प्रतिकर्षण लगन लगता है, तो जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो दैट द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रिड्यूस, तो इससे क्या होता है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वे दूर दूर हो जाएंगे। दिस इज ड्यू टू बोथ दीज फैक्टर, इन दोनों फैक्टर से ही द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज रेदर स्लोली इन ए गिवन पीरियड, ठीक है, कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, इन दो कारणों से ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस सीरीज में। चलिए बात करते हैं अगली हेडिंग की, तो जो हमारी अगली हेडिंग है वह अगली हेडिंग है हमारी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होगा हिंदी में इसे हम बोल देते हैं क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे, ऑक्सीकरण अवस्था, कभी आपने पढ़े होंगे ये ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, हमारे पास में कोई एक एटम है Na, इसने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट कर दिया, बना दिया Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो आप बात करेंगे यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है, यहाँ बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, क्यों है प्लस वन भाई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा, जिस पे जितना प्लस होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही प्लस होगी और जिस पे जितना माइनस होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही माइनस होगी, जिस पे एटम पे कोई चार्ज नहीं है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जीरो, जैसे कि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ Fe, आपसे पूछ लिया गया Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं कह दूंगा यहाँ जीरो, फिर हमें कुछ और एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, यहाँ हमें किसी ने दे दिया Cr, हमसे पूछ लिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं कह दूंगा जीरो, मगर याद रखिएगा किसी ने लिख दिया Fe2 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं बोल दूंगा प्लस, तो आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं बताया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ इसमें कोई चार्ज नहीं है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्लस माइनस में अगर देंगे तो प्लस में, लेंगे तो माइनस में, यहाँ इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आ जाएगी, समझिएगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, अगर मैं यहाँ लिख देता Fe3+ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती, प्लस थ्री आ जाती, मैं लिख देता Cl- तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, क्यों आ गई भाई माइनस वन, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है इसका, ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ आपको ऐसे लिख दूँ कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ जीरो है, Cl2 में भी जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एटम है, ये आपने पहले पढ़े होंगे कभी इलेवेंथ में ट्वेल्थ में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था कि किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे या इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने पे, ठीक है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ जाएगी और अगर वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ आपको सीएल की माइनस में शो करके दिखाई, मगर ये सारे के सारे जो उनसे हम सीरीज पढ़ रहे हैं 4D या 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और मेटल्स का एक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉनों को दान देने का, ठीक है, दान दे देते हैं, ठीक है, तो इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी वे सब काहे में आएंगी, प्लस में आएंगी, न कि माइनस में, तो अभी क्लियर है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैं जो आपको समझा रहा था वो वास्तव में है क्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्लियर है, चलिए समझते हैं इसे। यहाँ हमने लिखा हुआ है एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स दे स्लो वेरिएबल स्टेट्स, कुछ कुछ छोड़ दें तो अधिकतर ये क्या काम करते हैं, वेरिएबल स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स दे स्लो दे सो सॉरी दे सो, ये स्लो लिखा हुआ है, स्लो नहीं है, दे सो है ये एस एच ओ डब्ल्यू, ठीक है, दे सो वेरिएबल स्टेट्स, ठीक है, कुछ कुछ छोड़ने के छोड़ दें तो ये अधिकतर ही क्या काम करते हैं, वेरिएबल स्टेट शो करते हैं, दिस इज बिकॉज, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस, इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंट होता है, किसमें, इन द एनर्जीज ऑफ आउटर मोस्ट सेल एस एंड पेनल्टीमेट सेल डी, ठीक है, जो इसकी पेनल्टीमेट सेल डी है और उसमें जो इसकी आउटर मोस्ट सेल एस है, इनके दोनों की एनर्जीज में बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो पहले एस में एंटर करेंगे और उसके बाद किस में एंटर करेंगे, डी में, तो यहाँ डी की एनर्जी अधिक होती है, मगर जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन लगने के कारण सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वो किसका जाता है, एस का, क्यों, क्योंकि एस ही सबसे बाहर होता है और एस के अंदर क्या होता है, डी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में किस में एंटर कर रहे हैं, डी में, तो याद रखिएगा ये एस को भी और डी को भी, जो डी सबसेल है उसके भी और जो एस सबसेल है उसके भी, दोनों की दोनों के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता
रखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ से। पेनल्टीमेट सेल डी सब एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द एनर्जी लेवल मे बी यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो आउटर मोस्ट सेल है एस उसके इलेक्ट्रॉन्स और जो इसकी पेनल्टीमेट सेल डी है उसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों को ही ये यूज कर लेते हैं। द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। वो फॉलोइंग नीचे दी गई टेबल में दी गई है, इस वाले को आप काट दीजिएगा क्योंकि अनस्टेबल स्टेट्स हमने उसमें दिखाई हुई नहीं है। तो जो हमारी पास में अब जो हमारी टेबल आने वाली है वो टेबल हमारी किसके लिए है, वो टेबल है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपका बहुत बहुत आभार। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं वापस से कि सर ये करीब मुझे सपोर्ट कीजिएगा या मुझे वापस सब्सक्राइब बैक कीजिएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आप मुझसे सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आप सही सोच रहे हैं, मगर आपको मैसेज इंस्टाग्राम पर करना होगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कीजिए, मैं आपको जिस प्रकार का सपोर्ट कर सकता हूँ उस प्रकार से कर दूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको अपनी वीडियो में नीचे दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। तो ये जो आपको यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हैं जैसे कि प्लस दो प्लस तीन, ये सब किस तरीके से आई हुई हैं, ये सब इस तरीके से आई हुई हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास में सबसे लास्ट में सेल है एस और उससे जो पहली सेल है डी। ठीक है, एस में तो ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस वन से ही शुरू हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और डी में ये देखना होता है जो हमारे पास में डी होती है कि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कितने हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कितने हैं। इस सेल में जो सबसे लास्ट की सेल है एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँगा स्कैंडियम की, तो यहाँ जो इसका एस था उसमें एस में दो इलेक्ट्रॉन थे तो प्लस दो से शुरू हो गई है, और बात करेंगे डी की तो डी में केवल एक ही था, दो प्लस एक बराबर तीन, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। तो यहाँ मैक्सिमम कितनी आ जाएगी इसकी, थ्री आ जाएगी। यहाँ बात करेंगे प्लस दो से ही शुरू होगी तो प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। यहाँ बात करेंगे इसके भी एस में दो थे, ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके पास में, तीन थे, दो और तीन पाँच, तो तीन भी होगी, चार भी होगी, पाँच भी होगी। और जब आप सीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन चेक करेंगे तो इसके जो एस था आउटर मोस्ट सेल में उसके पास में कितना था एक, तो वन से ही शुरू हो जाएगी, और जो इसके पास में डी था डी में कितने थे पाँच थे, तो पाँच और एक छः, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे छः हो जाएंगे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इस टाइप से इसमें ये आ जाएंगे। बात करेंगे एमएन की तो कहाँ से शुरू होगा, प्लस दो से शुरू होगा और प्लस सेवन तक चला जाएगा। बात करेंगे एफई की तो प्लस टू से प्लस सिक्स, सीओ की प्लस टू से प्लस सेवन, एनआई की प्लस टू से प्लस फोर, सीयू की प्लस वन प्लस टू, जेडएन की केवल प्लस टू। ठीक है, तो इनमें जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल दो की ही है, एक सीयू की और दूसरी सीआर की। ठीक है, ये सात कैसे आए हैं ना आप आराम से समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप एमएन को चेक करेंगे तो डी में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे और एस में कितने होंगे दो होंगे, तो शुरू कहाँ से होगा दो से, और पांच और दो कितने हो जाएंगे सात हो जाएंगे, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा प्लस सेवन। हर किसी में सेम कंडीशन है, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी, इसी टाइप से हमने इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है। ठीक है, चाहे वो हमारे पास में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे 3D ट्रांजिशन सीरीज हो, चाहे 4D ट्रांजिशन सीरीज हो, चाहे वो हमारी 5D ट्रांजिशन सीरीज हो, हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स जोड़ के ही हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई है, और निकलती भी इसी टाइप से है जिस टाइप से मैं आपको अभी अभी समझा रहा था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में शुरू में कितने आया हुआ है प्लस थ्री, यहाँ कितना हुआ है प्लस थ्री प्लस फोर, तो धीरे धीरे एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, इसी टाइप से हमने लिखा हुआ है प्लस दो प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच। जब आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखेंगे तो वहाँ से आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ से ही नहीं याद करेंगे, याद करने का तरीका लगाइए, फंडा लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है थ्री, यहाँ थ्री के साथ क्या आ गया फोर, एक और बढ़ गया पीछे, अब देखिएगा एक आगे बढ़ेगा और एक पीछे, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस दो और प्लस फाइव, ये तीन याद हो गए आपको। यहाँ से अगले वाले में चले जाएंगे तो शुरू में सेम रहेगा, बाद में एक बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा एक शुरू का घट जाएगा, एक बाद का घटेगा और क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा। ठीक है, दो घट गए सॉरी, फिर इन्हें अलग टाइप से याद कीजिएगा इसे भी, और फिर ये क्या होगा प्लस दो, दो के पास एक दो, एक दो और आ जाएंगे, एक और तीन, फिर यहाँ से बात करेंगे तो दो तीन चार, फिर दो तीन चार छः, तो आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं ट्रिक से। बार बार लगाइएगा कि ऊपरले में क्या था, फिर निचले में क्या था, ऊपरला में कैसे लिखा, नीचे कैसे लिखा, फिर ये कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा, इस टाइप से आप इन्हें थोड़ा सा एक दो बार लिखिएगा, सोच सोच के समझ समझ के आपको वहीं से याद
हो जाएंगे। याद नहीं होते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद की। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें द स्टेबिलिटी ऑफ ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स विच विद विच ट्रांजिशन मेटल्स कंबाइंड। ठीक है, यहाँ जो स्टेबिलिटी है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिपेंड करती है एलिमेंट पर और इस बात पर कि एलिमेंट्स और किस दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, किस मेटल से जुड़ा हुआ है या ट्रांजिशन मेटल से जुड़ा हुआ है या किस दूसरी बात में जो हमारे पास में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, Cl2 है, ये इस टाइप के जो नॉन मेटल्स हैं किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ ए गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो हमें यहाँ दी गई हैं वे डिपेंड करती हैं एलिमेंट्स के नेचर पर विद विच ट्रांजिशन मेटल कंबाइंड की ट्रांजिशन मेटल किसके साथ में जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है इसके बाद में लिखा हुआ है द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके साथ में आती है, वो आती है ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, जब ये एलिमेंट्स जुड़े हुए होंगे या ये कंपाउंड बनाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ में जुड़ के, तब इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि कुछ की हमने लिख रखी थी +7, कुछ की लिख रखी है +8, कुछ की लिख रखी है +6, तो उस कंडीशन में जाके निकल के आएगी जो मैक्सिमम है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होगी। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है स्मॉल साइज, छोटा आकार और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये जो हमारे पास में थे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका क्या कारण है कि इनके साथ में जुड़ के ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई हाई, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा है और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कैसी है, हाई है। ठीक है, जिस कारण से क्या करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाते हैं इन एटम्स के साथ में। इसके बाद में पढ़ते हैं कुछ और लिखा हुआ है, हमने इसके पॉइंट समझाए हुए हैं जो हम अभी थोड़ी बहुत देर से समझ भी रहे थे। यहाँ हमने लिखा है फ्रॉम द अबव टेबल इट इज ऑब्जर्व दैट, जो हमारे पास में अभी टेबल थी उससे हमने कुछ और पॉइंट ऑब्जर्व करे हैं, कुछ और पॉइंट निकाल लिए हैं। वे कौन कौन से पॉइंट हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, मिनिमम जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है NS के इक्वल, जैसे कि NS1 तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, लिखा हुआ आ गया NS2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा +2, इस टाइप से लिखी हुई आ जाएगी। फिर ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो यहाँ बता दिया गया है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी होगी, वो होगी कॉपर की और क्रोमियम की, और दोनों की कितनी है +1 है, कॉपर की +1 और +2 भी होती है। ठीक है, मगर याद रखिएगा +1 ही होती है मिनिमम जिसकी हम बात कर रहे हैं R+1, ठीक है, एंड की जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद में पॉइंट दो को देखते हैं, इसके दूसरे पॉइंट में हमने यह लिखा हुआ है सम ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स सच एज क्रोमियम आयन, कुछ जो मेटल्स होती हैं जैसे कि क्रोमियम आयन है, जैसे निकिल आयन है, जैसे कि आयरन है, आयरन आयन या फेरस बोल देंगे आप उसे, ये सब किसी कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो भी शो कर जाते हैं। ठीक है, कब करेंगे, जब ये जुड़े हुए होते हैं किससे, कार्बोनिल से, और ये बना देते हैं मेटल कार्बोनिल। तो याद रखिएगा मेटल कार्बोनिल के केस में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है, शून्य आती है। तो यहाँ हमारे पास में है CrCO6, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, FeCO5, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, NiCO4, इसमें Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो इन तीनों कंडीशन में Cr भी है, Fe भी है और हमारे पास में यहाँ Ni भी है, मगर तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन तीनों कंपाउंड्स में कितनी है, जीरो है, शून्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में है थर्ड पॉइंट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अधिकतर वो कितनी होती है, +2 और +3। जनरली लिखा हुआ है यहाँ बाद में जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, अगर दो और तीन होंगे तो ये जनरली क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। वेयर एज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे द बॉन्ड फॉर्म आर कोवेलेंट, तो ये बॉन्ड कैसे बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अगर मिनिमम होगी +2 +3 होगी तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और अगर मैक्सिमम हो रही है +6 हो रही है, +8 हो रही है, +7 हो रही है, तो ये क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए इसके जो और बाकी के दो पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं, तो बाकी के और दो पॉइंट में इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन ईच ग्रुप द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, जो इसका हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो इंक्रीज हो रहा है विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप एट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस टू एंड प्लस थ्री, बट रदरनियम एंड ओस्मियम इन द सेम ग्रुप सो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर प्लस सिक्स। ठीक है, रुथेनियम है ये, ठीक है सॉरी रुथेनियम है, रदरनियम नहीं है रुथेनियम है, प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट। ठीक है, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में एफ ई प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये शो करते हैं किसे, प्लस फोर को, प्लस सिक्स को और प्लस एट को, और तीनों के तीनों कंडीशन में ही ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये प्लस दो और प्लस तीन में स्टेबल होगा तो ये प्लस सिक्स प्लस एट प्लस फोर में भी स्टेबल होंगे। बात करेंगे इसके फिफ्थ पॉइंट की, जो इसका पांचवा पॉइंट है, सबसे लास्ट का पॉइंट है। यहाँ लिखा हुआ है इन थर्ड सीरीज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और प्लस थ्री। जो हमारे पास में थ्री डी ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, प्लस दो है और प्लस तीन है, आर मोर स्टेबल, आर मोस्ट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं इस कंडीशन में जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाती है, प्लस दो और प्लस तीन। वेयर एज इन फोर डी एंड फाइव डी सीरीज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज फाइव टू प्लस एट आर मोर स्टेबल। और बात करेंगे किसकी, हम फोर की और फिफ्थ की। जो हमारे पास में 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्या होगा, जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 से लेकर प्लस 8 तक भी होती है तब भी वे कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। मैं बार बार बात क्यों करने लगता हूँ 3D की और 4D की 5D की, तो इसका हम क्वेश्चन शुरू से जो समझ रहे हैं वो हम कंपेयरिंग समझ रहे हैं इनकी 3D की 4D की 5D की। हमें 3D का हमें कंप्लीट हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। क्या आपको भी कोचिंग खुलने का इंतज़ार है, तो कोचिंग खुल चुकी है मगर ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन कोचिंग, और मेरे बैच भी चले हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेट मत कीजिएगा, ऑफलाइन कोचिंग का कुछ पता नहीं है कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो प्लस दो और प्लस तीन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसकी होती है, 3D की होती है, ये इसमें ही स्टेबल होते हैं। और बात करेंगे 4D की और 5D की, तो ये दोनों की दोनों सीरीज प्लस 5 से लेके प्लस 8 तक भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।